Okay, so good morning everyone, or good evening if you are watching it in the evening. As you all know कि अभी हम लोग का जो ये सेशन है ये आपका सेमेस्टर 4 कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरीज एंड सम्स का डिस्कशन होने वाला है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा सब्जेक्ट जो आपका एग्जाम में आने वाला है यहाँ पर आपका जनरली थियोरिटिकल अप्रोच भी ज़्यादा रहेगा. तो अगर आपने प्रैक्टिकल्स कर लिया है तो माय सजेशन डू नॉट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट डूइंग द थ्योरीज एट वन. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सम्स के साथ आप देखोगे 4 मार्क का, 5 मार्क का, 3 मार्क का थ्योरी दे दिया जाएगा. इट्स नॉट लाइक यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट 10 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन. रहेगा कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीटली, बट मेजोरिटी क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी रहेगा. तो आप कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू द थ्योरीज. सर थ्योरीज तो सर हम लोग क्लास बहुत सारा किया हुआ है सर, तो थ्योरीज हम लोग लिख पाएंगे सर. देखो थ्योरीज अभी तक हम लोग में क्लास में जो भी डिस्कशन किया हुआ है या जहां पर भी आप क्लास किए हो, डिस्कशन जो भी किया हुआ है वहां से थ्योरी मैनेज हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. बट दिक्कत का बात क्या होता है कि आप अपना ओन वर्ड्स में लिखोगे उसमें मार्क्स कम आ जाता है. तो दैट इज वाई माई सजेशन, इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप कम से कम एक बार थ्योरीज को गो थ्रू करो, लैंग्वेजेस को देखो क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद आप अपना एग्जाम में अटेंड करो. तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स जो है काफी अच्छा आ जाएगा. थ्योरी मैटर्स मोस्ट, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल्स के साथ ही रखना है, बट थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा. तो माई सजेशन, आप जो भी कुछ किया हुआ है, प्रैक्टिकल्स किया हुआ है, फाइन, लीव दोज थिंग्स, वॉच द होल क्लास एंड गो थ्रू द थ्योरी दैट वन. ओके, चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन में देख पा रहे हो आपका पहला जो थ्योरी आता है ये आता है ब्रेक इवन चार्ट. ब्रेक इवन चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर दिस एग्जाम. ब्रेक इवन चार्ट, वी ऑल नो व्हाट इज ब्रेक इवन. ब्रेक इवन इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर उतना यूनिट अगर हम लोग बेचेंगे तो हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, लॉस इज इक्वल टू जीरो. दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन. तो ये ब्रेक इवन चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो ब्रेक इवन चार्ट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट. सेल्स और कॉस्ट सेम सेम आएगा तभी तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा, ये आपका यूके का, जो हम लोग का इंडिया में सीएमए इंस्टीट्यूट होता है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, तो वो सीएमए इंस्टीट्यूशन जब वो यूके का वर्जन होता है, यूके वर्जन में उसको सीमा कहलाता है. तो सीमा के हिसाब से जो लंदन में है, ब्रेक इवन चार्ट इज अ चार्ट विच शोज प्रॉफिट और लॉस एट वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी. मतलब ज्यादा बेचेगा तो प्रॉफिट, कम बेचोगे तो लॉस, और एकदम एट लेवल में बेचोगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस. ये पूरा चार्ट को ही हम लोग को बोला जाता है ब्रेक इवन चार्ट. The level at which neither profit nor loss is shown being termed as break-even point. We all know this thing. ये आप quotation में जरूर डालना in order to get good marks. और इसको underline करके आ जाना सीमा वाला word को और ये quotations को. तो examiner को भी पता रहेगा कि आप पढ़ लिख के आए हो. Therefore, break-even chart graphically shows the profit or loss at various levels of activity and also shows the level of activity where there is no profit, no loss. यानी कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल लॉस सेल्स, ठीक है ना. तो अभी हम लोग थोड़ा चार्ट को देख लेता है. एक्सक्यूज मी, अब देख पा रहे हो यहां पर दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस. पूरा चार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है. ओके, तो आपका जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोग मेजर कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स. कितना यूनिट आप बना रहे हो और बेच रहे हो, यूनिट्स. यूनिट्स इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, ओके. और वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स, कितना रुपया का आप सेल कर रहे हो, दिस इज इन रुपीज, दिस इज इन यूनिट्स. तो वाई एक्सिस हो गया आपका कॉस्ट का और सेल्स का वैल्यू, और एक्स एक्सिस हो गया यूनिट्स का, जो मेजरमेंट होता है वो उसका डिपिक्ट करेगा, ठीक है. एंड वी ऑल नो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन.
दैट इज द हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन, आपका वो पूरा हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो दैट इज इन दिस केस ये जो LM वाला कर स्ट्रेट लाइन आता है ना LN, दिस इज आवर फिक्स कॉस्ट। क्लियर, दिस इज आवर फिक्स कॉस्ट कर्व। तो मेरा L से स्टार्ट होता है क्योंकि प्रोडक्शन भले जीरो हो जाए, यूनिट मेरा जीरो हो जाए, कॉस्ट मेरा OL ही रहेगा, दिस इज माई फिक्स कॉस्ट। ओके, अब वी ऑल नो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में हम लोग किए थे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कुछ, ये एम जो है ना, अब ये देख रहे हैं आपको, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट, दिस इज द समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वेरिएबल अगर आप ड्रॉ करोगे इट कम्स फ्रॉम लाइक दिस। तो यहां पर ये लोग वेरिएबल कॉस्ट को दिखाया नहीं है, डायरेक्टली दे हैव डिपिक्टेड टोटल कॉस्ट। हम एक बार फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, दिस विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, नो नीड टू ड्रॉ इन द एग्जाम। बेकार में बना के इसको क्या बोलेगा, मतलब डेंस बना के कोई मतलब नहीं होता है, क्लीन एंड क्लियर रखो। तो वेरिएबल कॉस्ट का इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होता है, फिक्स कॉस्ट एल से स्टार्ट होता है, ये दोनों मिला के टोटल कॉस्ट, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम एल, और उसका जो शेप होगा दैट शेप, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट घटेगा तो टोटल कॉस्ट घटेगा, बिकॉज टोटल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का जैसा शेप रहेगा वैसे ही शेप टोटल कॉस्ट कर्व का भी हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, तो टोटल कॉस्ट कर्व हम लोग का यहाँ पर जो है LM वाला हो जाता है। तो आई एम रिमूविंग द वेरिएबल कॉस्ट। ओके, और आपका जो सेल्स होता है दैट इज OS, तो OS हो गया हम लोग का सेल्स, और OM हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स और वेरिएबल मिला हुआ। एक्सक्यूज मी, नाउ ये दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन इज कमिंग ओवर हियर। एक सेकेंड, P, P हो गया हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कॉस्ट और सेल्स इक्वल, मतलब OS और OM इज इक्वल टू सेम, OS इज इक्वल टू OM, मतलब हो गया सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट, दिस इज आवर ब्रेक इवन सेल। तो ये जो आता है मेरा डायग्राम में लाइन, ये अगर आप कुछ भी मार्क करो, मानो आप यहां पर मार्क करते हो ओ ए, तो ओ ए वाला जो हो गया वो हो गया ब्रेक इवन सेल्स, और नीचे में जब उसका एक्सटेंशन करते हो यूनिट कॉलम तक, उसको मानो कि ओ क्यू, तो ओ क्यू अगर हो जाता है दैट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट्स और वैल्यूज। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ओ क्यू से ज्यादा सेल करोगे, इफ यू सेल से मानो ओ क्यू वन, अगर आप ओ क्यू वन में सेल करोगे और उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो आपका सेल इधर कॉस्ट इधर, ये पूरा एरिया को प्रॉफिट एरिया कहलाता है। क्या बोलता है? प्रॉफिट एरिया। एंड सपोज ये ओ क्यू वन हो गया, एंड सपोज आपका ओ क्यू टू जो होता है ये आप एक्सचेंज करो, तो ये हो गया आपका सेल्स, ये हो गया आपका कॉस्ट, तो सेल्स कम कॉस्ट ज्यादा, तो ये हो गया मेरा लॉस एरिया, लिखा हुआ है लॉस एरिया बोल के, गेटिंग इट। और पी के ऊपर में जो भी आप बेचोगे ना, एक्स्ट्रा सेल्स हो रहा है उसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलता है। तो ये पूरा वाला एरिया जो होता है, इसके ऊपर वाला पूरा एरिया इस तरफ, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। हम लॉस एरिया प्रॉफिट एरिया को एक और बार दिखा देता है, आप पॉज करके इसको डायग्राम बना सकते हो। ओ क्यू वन ओ क्यू टू एग्जाम में नहीं दिखाना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग से आई एक्सप्लेन। नाउ लेट मी शो यू स्पेसिफिकली
व्हाट विल बी माई लॉस एरिया, दिस इज माई लॉस एरिया। एक सेकेंड, ये पूरा मेरा लॉस एरिया हो गया रेड में, ठीक है। ये वाला जो ग्रीन वाला हो गया, ये वाला प्रॉफिट एरिया। अंडरस्टूड? याद रहेगा, ये आपको लिख के आना है, शेडिंग करना नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई हैव डन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो सेल्स और कॉस्ट के बीच आता है, ये वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। डायग्राम चार्ट अगर आपको बनाने बोलेगा ना, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब कुछ लिख के आना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस का शॉर्ट नोट नहीं मांगा, तो यू विल डोंट हैव टू, यू विल नॉट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट दैट, जस्ट यू विल हैव टू नेम इट। यहां पर देखो लिखा हुआ है, द एंगल क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन ओएस एंड टोटल कॉस्ट लाइन एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट इंटरसेक्शन के बाद वाला जो एंगल होता है इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हिच इंडिकेट द रेट एट विच प्रॉफिट इज बीइंग मेड बाय द कंसर्न। ये हो गया होल डायग्राम, एंड ये राइट अप आप एक्सप्लेनेशन ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये मेरा फिक्स कॉस्ट लाइन है, ये मेरा टोटल कॉस्ट लाइन है, इस हिसाब से मेरा ऐसा होता है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। अब गो थ्रू कर लेना, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन ओवर हियर। दिस कंप्लीट्स आवर ब्रेक इवन चार्ट। नेक्स्ट कम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी अलग से शॉर्ट नोट पूछ सकता है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म बाई इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, नॉट वेरिएबल कॉस्ट, नॉट फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के साथ होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट इन द ब्रेक इवन चार्ट। डायग्राम बना लेना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ मांगा गया है, वहां पर भी आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा। द एंगल, दिस एंगल एग्जिबिट द रेट एट विच प्रॉफिट आर बींग अर्न बाई द कंसर्न आफ्टर रीचिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ब्रेक इवन के बाद वाला पोर्शन, उसके बाद कंपनी कौन सा रेट में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ज्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात को? थोड़ा सा आप यूनिट्स बढ़ाओगे, आपका 30 डिग्री का चेंज हो जाएगा। कौन सा एंगल? सेल्स का लाइन का, यानी कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इट शोज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंसर्न। वाइडर एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोला मैंने अभी आपको, 30 से 70 डिग्री एग्जिबिट हायर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न और वाइस वर्सा। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंसर्न शुड एम टू हैव एज वाइड द एंगल एज पॉसिबल। गॉट इट? तो दिस कवर्स आवर शॉर्ट नोट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अनदर इंपॉर्टेंट थियोरिटिकल क्वेश्चन दैट मैट कम फ्रॉम दिस चैप्टर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वी ऑल नो, अभी एक्सप्लेन किया था चार्ट में, कि जो सेल्स आपका एक्स्ट्रा एक्सेस देन दैट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिर्फ फॉर्मूला लिखने से नहीं चलेगा, फॉर्मूला लास्ट लाइन में दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मतलब अगर आपका यहाँ पर 2 मार्क्स रहेगा या 2.5 रहेगा, तो यू विल गेट हाफ मार्क्स। अगर ये 4 या 5 मार्क रहेगा, तो यू विल गेट 1 मार्क, नॉट इवन दैट। मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द लेवल ऑफ सेल्स मेड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स। जितना अच्छे से लिखोगे उतना फुल मार्क्स रहेगा। आई विल सजेस्ट डू नॉट स्किप, अगर जान पहचान का थ्योरी आता है अच्छे से करके जाओ, इसलिए मैंने आपको गिना चुना थ्योरी करा रहा है। एज अ टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड। फिक्स कॉस्ट तो आपका नॉर्मल सेल्स में ऑलरेडी मीटअप हो गया था एट ब्रेक इवन पॉइंट में, तो उसमें तो हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया ब्रेक इवन पॉइंट में, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ गया था उसके अंदर में, तो इसके बाद कोई फिक्स कॉस्ट मीट करने का है नहीं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल ऑफ सेल्स जनरली एट एनी पॉइंट ऑफ सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल्स इज अवेलेबल टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, बट एज द टोटल फिक्स कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल्स एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अवेलेबल टूवर्ड्स प्रॉफिट ओनली। मतलब इसके बाद वाला सेल्स में जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वही कॉन्ट्रीब्यूशन आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है।
बिकॉज 6 को मीट करने का कुछ है ही नहीं। तो एट एमएस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट ओनली रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। कब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टाइम पे, याद रहेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। मैथमेटिकली एम ऑफ एस एमओ एस कैन बी एक्सप्रेस एज अंडर, तो हम लोग का ये वाला भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट कम सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस समझाने का कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा बात है, आप एक बार देख लेना, आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन। जितना हो सके आप पूरा यूज करोगे लैंग्वेज को, जितना लाइंस हो सके लिखना, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस। ठीक है, पॉज करके पढ़ लो, पीडीएफ भी दिया जाएगा, डू फॉलो द लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक दिया रहेगा आपका, उससे से आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को। अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट यू कैन गेट इन योर एग्जाम्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये 5 मार्क्स का आ सकता है। पिछले वाला भी जो भी मैंने समझाया है वो सब 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 2.5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो लिखना कितना है, उतना ही लिखना है, 2.5 मार्क्स भी उतना लिखोगे, 5 मार्क्स के लिए उतना लिखोगे। डोंट हैव टू थिंक सर कम मार्क्स आ गया तो कम लिखना है, प्लीज डू नॉट टेक रिस्क। आपका यही एग्जाम लास्ट टाइम यू आर डूइंग कॉस्टिंग, इसके बाद कॉस्टिंग नहीं आने वाला है, जितना हो सके स्कोर कर लो, दिस विल हेल्प यू इन योर सीजीपीए। चलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एकदम सिंपल है, यहाँ पर भी कोई समझाने लायक है नहीं, पढ़ लेना, दे दिया जाएगा, पीडीएफ में भी रहेगा, पॉज करके पढ़ लो। नेक्स्ट थ्योरी में आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजेटरी कंट्रोल का डिफरेंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहला 3 लाइन बता देता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजेटरी कंट्रोल हैव द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। मैंने आपको बोला था मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजेटिंग, ये 3 आपका मैनेजमेंट अकाउंट्स में आता है। दो दिस थ्री थिंग्स आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग एज कंपेयर टू योर प्रीवियस चैप्टर्स, लाइक मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, वो सब नॉर्मल वाला था। ये प्योर, दैट वाज प्योरली कॉस्ट अकाउंटिंग, ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज यहाँ पर कंट्रोल आ जाता है, यू कैन कंट्रोल योर कॉस्टिंग बाय एस्टेब्लिशिंग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ऑल्दो बोथ ऑफ दिस फॉलो सर्टेन कॉमन बेसिक प्रिंसिपल्स, देयर आर नंबर ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस, डिफरेंस को गो थ्रू कर लीजिएगा। 3 पॉइंट दिया हुआ है, 5 मार्क्स के लिए इनफ है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉस्ट पुल, कॉस्ट ड्राइवर, दिस इज फ्रॉम एबीसी कॉस्टिंग, सॉरी एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट पुल आपको पता है जो मेन काम होता है जिसके ऊपर फंक्शंस डिपेंड करता है, कॉस्ट पुल इज बेसिकली द कॉस्ट सेंटर, इट इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट आइटम। कॉस्ट ड्राइवर होता है जिसके ऊपर आपका कॉस्ट डिपेंड करता है, ये उसको कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। वेरियस एक्टिविटीज जो होता है ना उसको कॉस्ट ड्राइवर बोला जाता है। तो गो थ्रू कर देना, ये 2.5 मार्क्स में पूछ सकता है, 5 मार्क का कॉस्ट पुल नहीं पूछेगा, कॉस्ट पुल कॉस्ट ड्राइवर मिला के 5 मार्क्स पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग एबीसी, एबीसी का क्या क्या बेनिफिट रहता है, यू कैन गेट दिस क्वेश्चन एज एडवांटेजेस ऑफ एबीसी, सेम ही आंसर लिखना है आपको, देख लेना। एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स, आपका कौन सा एक्टिविटी है उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। एक्टिविटी जैसे कि देखो यहाँ पर प्रोडक्शन और मशीन सेटअप, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स के ऊपर या नंबर ऑफ मशीन आवर्स के ऊपर। मेटेरियल रिलेटेड देखो, परचेज ऑफ मेटेरियल, रिसीट ऑफ मेटेरियल, स्टोर डिलीवरी, इंस्पेक्शन, मेटेरियल हैंडलिंग, ये सब दिया हुआ है। परचेज ऑर्डर प्लेस, रिसीट ऑफ मेटेरियल, नंबर ऑफ स्टोरेज डिलीवरी, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिया हुआ है, मतलब किसके ऊपर कौन सा कॉस्ट डिपेंड करता है। दीज आर माई कॉस्ट ड्राइवर्स, सर ये कैसे पूछेगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई एक्टिविटी दे दिया और बोलेगा कि बोलो इसका क्या ड्राइवर हो सकता है, इसीलिए आपको ये हेल्प होगा। नंबर वन, नंबर टू, जब आप सम करोगे तब भी आपको ये वाला हेल्प होगा। तो दिस हैज बीन गिवन इन द बुक, बुक में भी दिया हुआ है, दोज हैव टेकन ट्यूशन फ्रॉम मी, जो लोग का नहीं किया हुआ आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ब्रेक इवन चार्ट भी हम लोग किया था ना स्टार्टिंग में, एकदम फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस टुडे, उसका लिमिटेशंस और व्हाट आर द इन्फॉर्म्स डिस्क्लोज्ड बाय अ ब्रेक इवन चार्ट, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट आपका फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग देख लेना, नथिंग टू बी एक्सप्लेन ओवर हियर, आई हैव गिवन यू 7-8 पॉइंट्स ओवर हियर, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो यू विल राइट 5 पॉइंट्स, ठीक है। एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, अगेन 5 पॉइंट्स से 6 पॉइंट्स याद कर लेना, देखो 5 पॉइंट याद करोगे तो 5 ही पॉइंट याद रहेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है, 3 या 4 याद हो सकता है, इसीलिए आप पूरा ही पढ़ लो, 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज इन द सीमा, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके बाद व्हाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नीडेड, फॉलोइंग रीजंस ए बी सी डी देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका बजट कहा जाता है, बजट में बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मैंने सिर्फ पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर आपका मार्क्स ज्यादा आता है, 5 मार्क्स आता है, तो एक एक दो दो लाइन बना लेना। ओके, तो लिमिटेशंस भी देख लीजिएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग इनटू द डिस्कशन अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट एक सम दिया हुआ है, तो देयर आर 4 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, P1, P2, P3, P4। कॉमन ज्वाइंट कॉस्ट देखो क्या क्या दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो हम लोग पहले कॉमन ज्वाइंट कॉस्ट को टोटल कर लेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, इसमें मटेरियल्स लेना दिया हुआ है, मटेरियल्स 1,64,000, डायरेक्ट लेबर ले लेना 1,06,000, ओवरहेड ले लेना विच इज गिवेन टू अस 44,000, टोटल कर लो, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट इज कमिंग टू 3,14,000। हम लोग का मेन काम है ये 3,14,000 को बांटना पड़ेगा अमॉन्ग P1, P2, P3 और P4 के बीच। कैसे बांटेंगे सर? अगर लास्ट वाला ये जो पैराग्राफ है ये अगर नहीं दिया रहता तो सिंपली हम लोग यूनिट्स के रेशियो में बांट लेता, फिजिकल यूनिट में सर, बट यहां पर कुछ दिया हुआ है, टेक्निकल सर्वे असाइंड पॉइंट्स फॉर 4 प्रोडक्ट, 3, 8, 5 के ना, काइंड ऑफ वेटेड एवरेज, रिमेंबर शो द अप्रोक्सीमेशन में। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग इस 3,14,000 को अप्रोक्सीमेशन करेगा द रेशियो ऑफ यूनिट्स एंड पॉइंट्स मल्टीप्लाइड, तो जॉइंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,14,000 शैल बी अप्रोक्सीमेशन अमंग P1, P2 कॉमा देखे P3 एंड P4 इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय असाइंड पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं, रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो जिसमें आप इसको बांटोगे, सबसे पहले P1 का यूनिट था 10,000, P1 का यूनिट से 3, सॉरी प्लस नहीं होगा, इश्यू साइन होगा, फोर थाउजेंड इंटू 8 इज टू
13,000 इंटू 5 इज टू 3,000 इंटू 10। तो लेट अस कैलकुलेट दिस, 30,000 इज टू 32,000 इज टू 45,000 इज टू 30,000। इसको आप और छोटा कर सकते हो, जीरोस को काट दीजिए, 30 इज टू 32 इज टू 45 इज टू 30। तो यहां पर हम लोग का ये जो खर्चा हम लोग का 3,14,000 था ना, इसको हम लोग को बांटेंगे। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट P1 का 3,14,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30, 30, 60, 105, 137। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, दिस विल बी 65,000, दिस विल बी 65,000, जीरोस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है यहाँ पर 65 और ये आ जाता है यहाँ पर 157। तो इसको प्लीज कैलकुलेट कर लेना, थर्टी टू बाई वन फिफ्टी सेवन, 65 बाई 157, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो दिस कंप्लीट द क्वेश्चन। ओके, तो ज्वाइंट कॉस्ट का एक और सवाल आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट ए एंड बी। बाई प्रोडक्ट मतलब जो आपने सोचा नहीं था प्रोडक्शन के टाइम में कि ये भी सामान, ये भी यूनिट बनने वाला है, वो बन जाता है, उसी को बाई प्रोडक्ट कहलाता है। मेन प्रोडक्ट एक्स होता है, एक्स से ए और बी दो प्रोडक्ट निकला हुआ है, ए का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, इंटू करके टोटल सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग प्राइसेस हैव बीन फिक्स्ड बाय एडिंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% कॉस्ट ऑफ सेल। आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो इसके लिए हम लोग को बैक कैलकुलेशन जाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ए बी सेल्स 18 × 750 यूनिट्स 36 × 300 यूनिट्स। सॉल्व करो, इट्स कमिंग टू 13,500। इट्स कमिंग टू 10,800। अब यहां से लेस प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट बोलता है 20% ऑफ कॉस्ट, बट हमको सेल्स पता है, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सपेंस जो नहीं दिया हुआ है उसको 100 पाड़ो, कॉस्ट को 100, प्रॉफिट 20% ऑफ 100 मतलब 20, तो सेल्स हो जाता है 120, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, प्रॉफिट आ गया मेरा 20 डिवाइडेड बाय सेल्स 120, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20 बाई 120। ये पॉइंट नंबर ए मानो, ये बी मानो, तो इनटू पॉइंट नंबर ए मतलब सेल्स के साथ इनटू कर देना, तो 13,500 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120 इज कमिंग टू 2,250। सिमिलरली 10,800 इंटू 20 बाई 120 इज कमिंग टू 1,800।
माइनस करो, इट्स कमिंग टू 11,250, इट इज कमिंग टू 9,000। ये आ गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है सेलिंग एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट मतलब कॉस्ट शीट का बात आ जाता है। कॉस्ट शीट में क्या होता था, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जो आता था उसी को हम लोग वर्क्स कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड भी ऐड होता है। यहाँ पर ऑफिस का कोई काम नहीं है तो जो भी होगा फैक्ट्री का ही कॉस्ट होगा, तो वर्क्स कॉस्ट उसके साथ हम लोगों का प्रॉफिट जोड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेगा, सॉरी सेलिंग एक्सपेंस जोड़ेगा, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट बोला है। सेम चीज वर्क्स कॉस्ट हमको नहीं पता, उसको 100 मानो, सेलिंग एक्सपेंस 25 हो जाता है। तो देयरफॉर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 125। देयरफॉर सेलिंग एक्सपेंस ऑन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 25/125। टोटल कॉस्ट हमको पता है, यहां से लेस सेलिंग एक्सपेंस कर दीजिए, ये सी हो गया, ये डी हो गया, 25/125 इंटू सी, ये भी 2250 बाई चांस सेम आ रहा है और ये 1800 आ रहा है। माइनस करो, दिस इज कमिंग टू 9,000 एंड दिस इज कमिंग टू 7,200। यहां तक एक बार रिवाइज कर लो प्लीज। अब हम लोग का ये जो कॉस्ट आया है ये आपका सेपरेशन कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट मिला हुआ है। सेपरेशन कॉस्ट आपको डायरेक्टली दे दिया 4 रुपया 5 रुपया पर यूनिट, तो देयर फोर 4 × 750 करोगे आपका टोटल सेपरेशन कॉस्ट आ जाएगा, लेस सेपरेशन कॉस्ट 4 × 750 और 5 × 300। फोर इंटू 750 इज कमिंग टू 3,000 और ये 1,500। माइनस करो, दिस इज कमिंग टू 6,000 एंड दिस इज कमिंग टू 5,700। ये हो गया शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। बांटना नहीं पड़ा, बैक कैलकुलेशन से हम लोग निकाल लिया, डन, दिस सम इज ओवर। ओके सर, दिस इज द सम फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्टिंग। ये आपका बुक में 2019 का क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ है। द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स यील्ड्स बाय प्रोडक्ट ए एंड बी। एक्स को बनाने का टाइम पे हम लोग का ए बी और एक सी भी बन रहा है हम लोगों का, ठीक है ना। तो ऊपर में वो एक लाइन मिसिंग हो गया। जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आर 8,500, 9,000, 7,500। नीचे में दिया हुआ है प्रोडक्ट ए बी सी का इंडिविजुअल मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। बी का भी इंडिविजुअल मेटेरियल लेबर ओवरहेड, सी का भी मेटेरियल लेबर ओवरहेड। ये तो सेपरेशन कॉस्ट हो गया। जैसा लास्ट सम में दिया हुआ था वैसे यहां पर भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30, 20, 15। प्रॉफिट यहां पर सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट निकालेगा 40% ऑफ 30,000, 30% ऑफ 20,000 और 25% ऑफ 15,000। तो हम लोग का प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। वहां से इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे मेटेरियल लेबर ओवरहेड, तो हम लोग का जो कॉस्ट आएगा वही हम लोग का ज्वाइंट कॉस्ट होता है।
पहले वहां तक पहुंचते हैं हम लोग, देन वी विल गेट टू नो। तो यहां पर स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ए बी सी और एक टोटल कॉलम भी बना लीजिएगा। सबसे पहले आता है सेल्स, ए का 30,000, बी का 20,000, सी का 15,000। इसका टोटल अभी नहीं चाहिए। लेस प्रॉफिट 40% ऑफ 30 12,000, 30% ऑफ 20 6,000, 25% ऑफ 15,000 3750। माइनस करोगे तो दिस इज कमिंग टू 18,000, 14,000, 14,000 और लास्ट वाला 11,250। यहां से इंडिविजुअल मटेरियल्स जो है वो माइनस करो, लेस, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वही तो हुआ ना आपका नॉर्मल जॉइंट कॉस्ट, ये तीन होता है, ये जॉइंट कॉस्ट हो गया। और इसके बाद आता है सब्सिक्वेंट कॉस्ट, मतलब ए बी सी निकलने के बाद का जो खर्चा होता है उसी को तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलते हैं, वो इंडिविजुअल हो गया, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में सबसे पहले आएगा मेटेरियल्स 2,500, 1,200, 1,400, लेबर 1,900, 1,600, 2,000, 1,500, 900, 1,050। ये डायरेक्टली आप माइनस करो, तो हम लोग का आ जाता है 12,100। ये माइनस करो 10,300, ये वाला माइनस करो 6,800। ये आया मेरा टोटल जॉइंट कॉस्ट, एक सेकेंड, टोटल कॉस्ट बिफोर स्प्लिट ऑफ, क्वेश्चन में जाओ, यहां पर हम लोगों को सेलिंग एक्सपेंस भी निकालना पड़ेगा जो यहां नहीं दिया हुआ है। लेट अस सी, तो कैसे पता आपको सेलिंग एक्सपेंस है, आप इसको टोटल करो 12,100, 10,300 और 6,800। तो टोटल कलम में हम लोग डालेंगे 29,200।
जबकि ना गिवेन ज्वाइन कॉस्ट मेटेरियल लेबर और ओवरहेड, ये जो हम लोग का दिया हुआ है वो है 8,500, 9,000 एंड 7,500, टोटल आता है 25,000। और ये वाला टोटल आता है 29,200। डिफरेंस कहाँ से आ गया? डिफरेंस मतलब 4,200 का मेरा सेलिंग एक्सपेंस भी हुआ होगा जो हम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। देयरफोर टोटल सेलिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में 29,200 माइनस 25,000, 4,200। अब इस 4,200 को आप कैसे बांटोगे? हम लोग इसको बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर यूनिट्स और सेल्स। सेल्स का रेशियो क्या था? 30-20-15। तो उस रेशियो में हम लोग बांट लेंगे। तो अभी लिखेंगे लेस सेलिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में, रेशियो क्या था? 3:2, 30:20:15। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 5 से 5, 6 30, 5 4 20, 5 3 15, तो 6:4:3। 4,200 को अगर हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे तो हम लोग का इंडिविजुअल आ जाएगा 1939 1292 और 969 माइनस करके आएगा हम लोग का 10161, 9008, लास्ट वन 5381। ये हो गया मेरा प्रोडक्शन ज्वाइन कॉस्ट, वो मेटेरियल लेबर ओवरहेड वाला प्रोडक्शन ज्वाइन कॉस्ट। इसका अगर आप टोटल करोगे ना तो ये आपका 25,000 ही आ रहा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन में बोला था यहाँ पर एसर्टेन प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें टोटल नहीं चाहिए, ए बी और सी, सेल्स 30,000, 20,000, 15,000, लेस प्रोडक्शन ज्वाइन कॉस्ट जो अभी हम लोग निकाला है 10161, 9008, 5381, माइनस करके आता है हम लोग का 19839, 10992, 9169। इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करते हैं हम लोग, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेटेरियल लेबर ओवरहेड जो दिया हुआ था आपका 2,500, 1,200, 1,400, फिर 1,900, 1,600, 2,000 और ओवरहेड में 1,537, 1,500, 1,900 और 1,050, 1,500, 900, 1,050।
सर मेटेरियल लेबर ओवरहेड तीन दो दो बार क्यों आया? एक मेटेरियल लेबर ओवरहेड जॉइंट कॉस्ट वाला है जिसको हम लोग बांटेंगे, जो बांट के हम लोग का आया 101619008531, और एक मेटेरियल लेबर ओवरहेड जो है वो स्प्लिट ऑफ के बाद इंडिविजुअल आइटम्स का है। तो ये माइनस करके हम लोग का जो आएगा, या फिर डायरेक्टली आप इसके साथ माइनस कर सकते हो लेस सेलिंग एक्सपेंस। चलिए एक्सपेंस हम लोग रेशियो में बांटे थे 1939, 1292 और 969। टोटल करने का कुछ नहीं है, डायरेक्टली माइनस करो, हमको प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाए। दिस कंप्लीट्स द सम। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन आपको एक निकालना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल एज मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग में मेन डिफरेंस जो होता है कि हम लोग का यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, उसको पहले सेल से माइनस करेगा और उसके बाद आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट में हम लोग करते थे, पहले फैक्ट्री वाला आइटम्स तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, उसके बाद ऑफिस वाला आइटम्स माइनस करता था तो हम लोग का पीएल आ जाता। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने अभी आपको जैसे बोला कि पहले जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है उसको माइनस करेंगे, जो मेन एक्सपेंसेस आता है, उसके बाद हम लोग ऑफिस वाला या एडमिनिस्ट्रेशन वाला एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी विल डिडक्ट ऑल द वेरिएबल एक्सपेंसेस। वो वेरिएबल एक्सपेंस में आपका सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, बट वेरिएबल को पहले, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद फिक्स ओवरहेड माइनस होता है, राइट? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखता है, लेट अस डू द इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सेल्स। अच्छा एक मजे का बात देखो, 50,000 बनाया है, बेचा है 48,000, यानी कि 2,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स जितना हुआ उतना ही डालोगे, 48,050 रुपीज करके पर यूनिट, तो हम लोग का आता है 24 लाख। आउटर कॉलम में डाल दीजिए। इसके बाद आता है लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंस। सबसे पहले आता है मटेरियल्स, मेटेरियल इज 20 रुपीज पर यूनिट, बट इन दिस केस हम लोग टोटल इनटू करेगा 50,000 यूनिट्स का, बनाया है जितना उतने का। दिस इज योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो खर्चा यहाँ ज्यादा चार्ज हो रहा है। प्रॉफिट विल डिफर अंडर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर मार्जिनल 10 लाख। लेबर 50,000 इंटू 10, पांच लाख। प्रोडक्शन ओवरहेड दो पार्ट में आता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो यहां पर वेरिएबल फिक्स्ड को अलग अलग करके नहीं करना है, मतलब माइनस हम लोग जो करेगा प्रोडक्शन ओवरहेड को पूरा ही करेंगे। तो आप वेरिएबल फिक्स दोनों को माइनस करोगे,
अब अलग अलग करके लिखो बट माइनस एक ही साथ करो। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6 रुपया पर यूनिट था, 50,000 यूनिट आप बनाए हो, इंटू 6 3 लाख। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 2 लाख। टोटल कॉस्ट आता है 20 लाख। अब इसमें से मेरा कुछ सामान जो बिका नहीं 2,000 यूनिट का, वो हम हटा देंगे, तो उसका नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ₹20 लाख, दिस इज फॉर 50,000 यूनिट्स, तो 2,000 यूनिट के लिए कितना होगा? ₹80,000। माइनस करोगे आपका एक्चुअल कॉस्ट आ जाता है 19 लाख 20, और 24 लाख से 19 लाख 20 माइनस करोगे तो 4 लाख 18। इसको कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, मत बोलना ग्रॉस इनकम, बट अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में ये ग्रॉस प्रॉफिट ही है। अब और भी मेरा ओवरहेड्स है बाकी, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, अभी यहाँ पर एक साथ एंड बोल के डाल दिया, एकदम में ऐसा भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अलग दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड अलग दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद आप लिखो लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल फिक्स एक साथ, वेरिएबल में आप बना रहे हो। अभी क्लोजिंग स्टॉक ना माइनस हो गया है, अभी 50,000 मत करना। क्यों? अरे सेलिंग ओवरहेड किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेलिंग ओवरहेड हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, 48,000। अच्छा सर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर अलग से दे दिया तो आप पहले ऊपर में ना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जहां लिखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी डाल देना, उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना, फिर सेलिंग ओवरहेड को ले लेना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, ऐसा ही सम करके जाओ। तो 1,44,000 वेरिएबल के साथ, फिर आता है फिक्स। फिक्स में आएगा मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,56,000। टोटल किया तो 3 लाख, प्रॉफिट आ गया 1,80,000। ये हो गया मेरा नेट इनकम। कंटिन्यूइंग विद द सेम क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। सेल्स 48,000 इंटू 50, ₹24 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट, मेटेरियल्स, सिंस इट्स अ मार्जिनल कॉस्टिंग, तो यहाँ पर पहले वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग सल्टा लेंगे, ठीक है? तो मेटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, और सबसे पहला यहाँ पर आप लोग को 50,000, यहाँ पर भी सेम, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस होगा, 50,000 इंटू 20, 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 6, ₹10 लाख, ₹5 लाख,
3 लाख। इसके इनर कलर में लिखो, क्लोजिंग स्टॉक भी था, 18 लाख आ गया यहां पर। अब लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एटीन लैक्स जो था मेरा वो था 50,000 यूनिट्स के लिए, और हम लोग का अनसोल्ड स्टॉक है 2,000 यूनिट्स। इट्स कमिंग टू 72,000, 72,000। एक जीरो ज्यादा हो गया, माइनस करो 17,28,000, ऐड करो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड नहीं आना चाहिए, इसीलिए उसको पहले हम लोग कॉस्ट में नहीं लिया, 18 लाख में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं लिया। 48,000 इंटू थ्री, और वेरिएबल को सब लेना है तो 1,44,000 टोटल करके आउटर कलम 18,72,000। 18,72 के 24 लाख को माइनस करो, इज कमिंग टू 5,28,000। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां से लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक प्रोडक्शन वाला है और एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग वाला है। प्रोडक्शन वाला है 2 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये वाला है 1,56,000, टोटल करके 3,56,000। माइनस करो, इट्स कमिंग टू 1,72,000। दिस इज आवर प्रॉफिट, नेट इनकम और प्रॉफिट व्हाट इज। ओके, नाउ इसके बाद डिसीजन मेकिंग का कुछ सम्स रहेगा तो वो आप देख लेना, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो लास्ट वीडियो है मेरा वो वहां पर आपका 2 या 3 सम्स है दैट यू नीड टू डू। दोज हु हैवेंट डन दोज क्लासेस, उसका लिंक आपको ऊपर में मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्लास मिल जाएगा। दैट्स ऑल, इसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो गए। अ फैक्ट्री इज रनिंग एट 50% कैपेसिटी ड्यू टू ट्रेड रिसेशन, मतलब मार्केट में डिमांड कम है तो वो ज्यादा यूनिट नहीं बना रहा है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, डिटेल्स को पढ़ो एक बार। कॉस्ट पर यूनिट, मेटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड 20 रुपया। करेंटली आप कितना यूनिट बना रहे हो? 12,000 यूनिट। देयरफोर ये 12,000 यूनिट जो है ये 50% कैपेसिटी के लिए है, हाँ या ना? तो बाकी 50% कितना होगा? और 12,000 टोटल कैपेसिटी कितना हो गया? 24,000 हो गया। तो यहां पर ये 12,000 को जब हम लोग बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं 1,80,000 में, कॉस्ट लगा 2,40,000, तो हम लोग का लॉस हो जा रहा है। जो हो गया वो हो गया, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो। एक कस्टमर आता है वो बोलता है मेरे लिए आप 10,000 यूनिट बना दोगे, हम आपको
17 रुपया करके देंगे। तो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आप बोलो, क्या ये ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या डिक्लाइन करना चाहिए? क्वेश्चन के बाद पढ़ लो जल्दी। यहां देखो, हम लोग जब 12,000 यूनिट बना रहे थे तब मेरा सेल कितना हुआ था? 1,80,000। तो एक एक यूनिट का सेल प्राइस कितना हो गया? सेल प्राइस पर यूनिट 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12,000, 15 रुपया। तो मेरा 15 रुपया करके तो ऑलरेडी बिक रहा था, बाहर का कस्टमर मेरे को 17 रुपया करके ऑफर दे रहा है। तो ये चीज हम लोग का प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को डिसीशन लेना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, ये जो एडिशनल 10,000 यूनिट बनेगा, क्या एग्जिस्टिंग 12,000 बंद करके बनाएंगे कि उसके साथ बनाएंगे? एग्जिस्टिंग तो 12,000 बन ही रहा था, वो तो हमको बनाना पड़ेगा ही। हमको ये एडिशनल ऑफर है, क्या ये ऑफर जो है ये मेरा लिमिट के अंदर में है, मेरा कैपेसिटी के अंदर में है? अंकित, मेरा 100% कैपेसिटी कितना था? 24,000 यूनिट। ऑलरेडी कितना बना रहा है? 12,000, और कितना ऑफर आया? 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 22। तो 24 के अंदर में तो हो रहा है। तो ये मेरा क्या बोलता है, कैपेसिटी के अंदर में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात को पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग, देखता देखता है। एज द प्रेजेंट कैपेसिटी इज 50% विच इज 12,000 यूनिट, रिमेनिंग अनयूज कैपेसिटी इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स। ठीक है ना? एग्जाम में ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दे सकता है। 60% कैपेसिटी दे दिया तो आपको 40% का देखना है कितना बन सकता है आपका। देयरफोर द फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स अलोंग विथ एग्जिस्टिंग 12,000 यूनिट्स। अब सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 17 रुपया, राइट? लेस वेरिएबल कॉस्ट, वो 17 रुपया वाला जो ऑफर आया है मेरा, उसको बनाने के लिए मेरा क्या क्या कॉस्ट लगेगा पर यूनिट? मेटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, 10, 3, 2। वेरिएबल ओवरहेड 10, 3, 2, 15 रुपया मेरा खर्चा होगा, मिलेगा 17 रुपया। तो 2 रुपया का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाता है। हाँ या ना? यहाँ तक बना के रुक जाओ एक बार। यहाँ पर ऑलरेडी जो मेरा फिक्स कॉस्ट है उसको, उसका जो खर्चा है वो हम लोग 10,000 12,000 जो बना रहा था ना, मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, उसमें तो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट एक बार कैलकुलेशन हो गया है, उसमें मेरा लॉस ऑलरेडी हो रहा है।
तो फिक्स कॉस्ट तो एक ही बार मीट होता है, कंपनी का फिक्स कॉस्ट तो उस पे मेरा मीट ही हो गया। तो एडिशनल ऑफर जब भी आएगा ना, आपका काम देखना है क्या उसके पीछे मेरा जो खर्चा होगा वो रिकवर हो रहा है, यस और नो। मेरा उसके पीछे खर्चा हो रहा है 15 रुपया, तो बंदे ने कितना कोट किया मेरे को, 17 रुपया। आराम से हम 2 रुपया पर यूनिट कमा लेंगे। देयरफॉर द ऑफर ऑफ द कस्टमर मस्ट बी एक्सेप्टेड। एक सिंपल सा बात आपको समझा रहा हूं, हम आप लोगों का नॉर्मल 6 महीने या 5 महीने का बैच करवाया, उसमें आपका फिक्स कॉस्ट जो भी मेरा लगने वाला है, जो भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, सब कुछ मिला के हम आपको एक कोर्स ही बोला। अब एग्जाम का 1-2 हफ्ता बाकी है, कोई आता है क्रैश कोर्स करने के लिए, तो हम तो उसी को उसी अमाउंट चार्ज करेगा ना जो उसके पीछे मेरा भी खर्चा होने वाला है, मेरा सॉफ्टवेयर का चार्ज, मेरा स्टडी मटेरियल का चार्ज, अगर वो ऑनलाइन करेगा तो, ऑफलाइन करेगा तो उसके पीछे का जो मेरा टाइम जाएगा उसी हिसाब से। इसीलिए 1 हफ्ते पहले जो आता है हम उसका कभी भी ऑफलाइन क्रैश कोर्स करवाएगा नहीं, उसको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, उसे मेरा मेहनत क्या है, वो तो एक बार हो चुका था। तो मेरा इसीलिए क्रैश कोर्स में अमाउंट बहुत कम हो जाता है, 800-900 रुपीज। क्यों? बिकॉज फिक्स कॉस्ट मेरा ऑलरेडी तुम लोग से रिकवर हो चुका, अब जो भी कुछ आएगा वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रिकवरी का बात आएगा। सर मतलब आप प्रॉफिट नहीं करो, यहाँ पर भी प्रॉफिट है, 100-200 रुपया यहाँ पर भी प्रॉफिट आएगा। तो ये डिसीजन याद रखना, वेन एवर यू विल बी डूइंग डिसीजन मेकिंग का सम, तो नीचे में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, सिंस फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी बीइंग टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर द प्रेजेंट कैपेसिटी देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडिशनल ऑर्डर या ऑफर्स। दस क्वेश्चन में क्या था, फैक्ट्री के बारे में बोला था, कंपनी, दस द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर एज इट वुड इंक्रीज द प्रॉफिट बाई 2 रुपया पर यूनिट, 10,000 है ना यूनिट, 20,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 20,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन जो है वही प्रॉफिट होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी मीट होगी। वो नहीं, उसके बारे में नहीं है, हम एडिशनल ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 20,000 से बढ़ेगा। अब टोटल में तुम्हारा लॉस कितना हो गया फिर, 40,000। अगर नहीं बनाएगा तो 7,000 का लॉस, बैठो समझो, क्लियर है, लॉस तो कम हो गया ना। याद रखना, सेम टू सेम भले ना आ जाए, बट ऐसा कॉन्सेप्ट वाला सम आएगा तो उसमें आपको वही डिसीजन लेना कि फिक्स्ड कॉस्ट को दोबारा आपको मीट नहीं करने का है। सबसे पहले इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवेन ए बी सी, तीनों प्रोडक्ट का डिटेल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। जैसे ऐसा सम रहेगा आपको भी पता होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट का काम कुछ होता नहीं है, वो लास्ट में मेन होता है, बट उसका वैसे डिसीजन मेकिंग में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट भी कोई काम का नहीं होता, सेलिंग प्राइस पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। प्रोडक्शन अरेंजमेंट ऑफ दैट, इफ वन प्रोडक्ट इज गिवेन अप, कौन सा प्रोडक्ट छोड़ना है नहीं पता,
अगर हम ए छोड़ देंगे, ए को त्याग कर देंगे, तो बी का जो है वो 50% से बढ़ेगा और सी भी 50% से बढ़ जाएगा। तो बी बढ़ेगा कितना से? 2500 से, 7,500 हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा? 8,000 का 50% 4, 12,000 हो जाएगा। अगर बी छोड़ देंगे तो ए का हो जाएगा 15,000, सी का हो जाएगा 12,000। और सी छोड़ देंगे तो ए का हो जाएगा 15,000, बी का हो जाएगा 7,500। तो तीन ऑप्शन थे हम लोगों के पास। तो डायरेक्टर प्रपोज, डायरेक्टर बोलते हैं कि सी को छोड़ देते हैं बिकॉज उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 26 - 18 8 रुपया, तो उसको छोड़ देता है। क्या आप इसके साथ क्यों बी नहीं, कैसे हो पता? ज्यादा यूनिट्स में कोई मतलब नहीं होता है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो हम लोग का लिखा जाएगा। तो आपका पहला काम है ए बी सी तीनों का जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है उसका प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे निकालता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट दिया हुआ है, आपको तीनों का टोटल निकालना पड़ेगा, ए बी सी और एक टोटल कॉलम, पहले वो बनाओ। हाँ ना, ए बी सी बाजू बाजू में हम एक बार फॉर्मेट दिखा दे रहा है, इनकम स्टेटमेंट। एग्जिस्टिंग, ए बी सी टोटल। तो आप पहले सेल्स लिखो, पर यूनिट लिखो, लेस वेरिएबल कॉस्ट करके आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर यूनिट्स लिखो, फिर इनटू करो। यहां तक पहुंचो पहले। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? पर यूनिट 12, 10 और 8, और टोटल यूनिट्स 10,000, 5,000, 8,000, टोटल 12 कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो? 1,20,000, 50, 64 टोटल बोलो, 2,34,000 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऊपर में दिया हुआ था, हाँ 3 नहीं इंटू करोगे, 3 × 10 30,000। याद रखना फिक्स कॉस्ट का जो पर यूनिट दिया हुआ है वो जो यूनिट के साथ दिया हुआ है उसी को फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट लेना है। पर यूनिट कभी फिक्स कॉस्ट होता नहीं है। 3 × 5 15,000, 16,000, 61,000, 90,000, 35,000, 48,000, और यहां का प्रॉफिट आता है 1,73,000। ये आ गया हम लोगों का प्रॉफिट। अब हम लोग देखेंगे पहला डिसीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन प्रोडक्ट ए इज गिवेन अप। तो बी बनाओगे, सी बनाओगे और टोटल बनाओगे। टोटल सेल्स यूनिट्स, यूनिट्स का 5,000 हो जाएगा 7,500, 8,000 हो जाएगा 12,000। कैसे आया आप यहां पर दिखा देना, +50%। फिक्स
सेल्स वैल्यू आप डायरेक्टली इंटू करके निकालो। बी का सेल्स प्राइस था 30, 30 इंटू 7,500, अच्छा एक काम करो, एक काम करो, सेल्स वैल्यू नहीं करके कंट्रीब्यूशन निकला हुआ है हम लोगों का वही निकालो डायरेक्टली। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बी का 10, तो 10 इंटू 7,500, उसके बाद सी वाला कितना था बोलो, 12,000 इंटू 96,000 टोटल करो। लेस फिक्स कॉस्ट जितना था उतना ही होगा, कितना था फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट टोटल कंपनी का, ये बंद हो गया तो क्या हुआ, ए का फिक्स कॉस्ट कौन झेलेगा, 61,000 माइनस होगा। एक लाख 10,000 प्रॉफिट प्रॉफिट मेरा कम हो गया, दिस ऑप्शन इज नॉट डिजायरेबल। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन प्रोडक्ट बी इज गिवन अप, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सी इज गिवन अप। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन प्रोडक्ट बी इज गिवन अप, ए टी प्लस 50% कितना आएगा यूनिट, 15,000 12,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। पंद्रह हजार इंटू 12 1,80,000 और उसके क्या 12,000 इंटू 8 टोटल लेस फिक्स कॉस्ट 61 माइनस करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन सी इज गिवन अप। ए आर बी टोटल सेल्स फॉर यूनिट कितना है, 15,000 और 7,500 टोटल कंट्रीब्यूशन 1,80,000 और 75,000 टोटल फिक्स कॉस्ट 61,000 कितना आया, 1,00,000 कंक्लूशन। जब भी कंक्लूशन लिखोगे क्वेश्चन का लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लो, डायरेक्टर किसको छोड़ने का था ये तो तुम लोग बोला ही नहीं, डायरेक्टर सी को गिवन अप करने का था, ये रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा।
वी डू नॉट एग्री विद द डायरेक्टर्स आर कंपोनेंट्स विद फायर अप तो नीचे में लिखो इफ वी गिव अप प्रोडक्ट बी इफ वी गिव अप प्रोडक्ट बी देन प्रॉफिट विल बी 215,000 विच इज मोर देन द प्रॉफिट The company would have earned if product C is given up. Thus, the contention of the director shall be rejected and product B shall be given up. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके साथ एक थ्योरेटिकल ज्ञान पूछा गया है लास्ट पार्ट में. व्हाट अदर नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन सच अ सिचुएशन. ये वाला हम आपको दिखा दे रहे कंडीशंस को, कॉपी कर लो. Expected market demand for products A, B, and C in future. Expected future selling price of the product. Evaluation of the fact A, B, C are complementary to each other in the market. A position of similar competitive products in the market. ये सब अगर होगा तो condition में यहां जो बोला था कि decisions आपका किसके ऊपर depend करेगा. What are the factors जिसके ऊपर decision depend करता है? These are the factors जिसके ऊपर आपका decisions depend करेगा. A, B, C का demand अचानक market में बहुत बढ़ जाता है, या B को discontinue करने के बारे में बोला, B का बढ़ गया, उसका selling price बढ़ जा सकता है, या C का selling price कम हो सकता है, whatever. So these are the factors that will affect your decision. I hope everyone have written this. नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन के बाद सम नंबर 4 में आ जाओ. दिस विल बी द लास्ट सम. क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है एक अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर अपना एक यूनिट से 2.5 रुपया कमाता है, 14.5 रुपया सॉरी 14.30 रुपीज पैसा में बेचता है, 60,000 यूनिट्स, 60% कैपेसिटी. उसका कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ है मेटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड. मैंने पहले ही बोला था फैक्ट्री ओवरहेड कोई भी ओवरहेड हो उसका फिक्स्ड को अलग वेरिएबल को अलग. पहले हमको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग फिक्स माइनस कर सकते हैं. तो आपका पहला काम है प्रॉफिट निकालोगे, कंट्रीब्यूशन निकालोगे, फिक्स कॉस्ट निकालोगे एग्जिस्टिंग के लिए. अब करेंट ईयर में बोलता है ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट फिक्स कॉस्ट उसका 10% से बढ़ जाएगा, वेजेस और मेटेरियल्स भी 8% 6% से बढ़ जाएगा. ये जो सम हुआ ना, ये आपका डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल और बजट का मिक्स कॉन्सेप्ट का सम होगी. हम लोग फ्लेक्सिबल बजट में 8% 6% राइज वाला किया था, और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस मार्जिनल कॉस्टिंग में किया है, तो दोनों का मिला हुआ ये चीज हो जाता है.
हाउएवर सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी चेंज, सेलिंग प्राइस 14 रुपया 30 पैसा ही रहेगा, बट उसके बाद एक ऑप्शन आता है वो 20% से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है. व्हाट मिनिमम प्राइस वुड यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरर विथ एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1,67,300. 167,300 का मेरे को प्रॉफिट चाहिए और मेरे को वजह एडिशनल ऑफर आया है ना 20% का एक्स्ट्रा फर्दर, वो भी हमको बनाना है. तो आपको मैनेजमेंट को कैलकुलेट करके बोलना है व्हाट विल बी द मिनिमम प्राइस दैट वी शुड आस्क. पहले आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकालो. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर 60% कैपेसिटी. पर्टिकुलर्स पर यूनिट सिक्सटी थाउजेंड यूनिट, सेल्स सेम ही रहेगा 14 रुपया 30 पैसा इंटू 60,000 करो, लेस वेरिएबल कॉस्ट 3,000 डायरेक्ट मटेरियल. क्वेश्चन में जाओ कितना था, 3,500 रुपया, वो बढ़ जाएगा अभी कितने से बढ़ेगा 6%. बिना देख के ही कंक्लूशन बोल देती है. ₹3,500 इंटू कितना परसेंटेज, 106%. एक यूनिट का कितना है 3.71 इंटू करके बोलो 2 लाख. ये समझ में आया सबको? डायरेक्ट लेबर कितना था 1.25, कितना से बढ़ गया 8%. 108%, 1. जोर से बोलो बाबा, 81,000 वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड. इसमें कोई चेंज नहीं है, हाँ फैक्ट्री ओवर सेल्स ओवर सेम ही है. तो 6.25 का 50% वेरिएबल होता है, 3.125 इंटू करके बोलो 80 पैसा था जिसका 25%, 20 पैसा 12,000, 12,000 आप यहां लेस नहीं करके वेरिएबल कॉस्ट बी सेल्स ए बोल के भी डाल सकते हो या डायरेक्ट लेस करके भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे. हम पहले वेरिएबल कॉस्ट एक बार टोटल कर लेगा.
कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी 14 रुपया 30 पैसा माइनस 8.385। एट लाख 58,000 माइनस 5,031,00 और ये 5.915 है ना। वेरिएबल कॉस्ट ओनली, सॉरी सॉरी माइनस कर। अब फिक्स कॉस्ट, सिक्स पॉइंट टू फाइव का 50% और 80 पैसा का 75%। जो आएगा वो टोटल करोगे तो पर यूनिट आता है, इनटू 60,000 का ही दिया हुआ था तो 60,000 से इनटू करोगे तो जो आया रुक जाओ, जो आया उसके साथ आप इंटू करोगे 10% को, 110% इंटू कर दो। यस, क्वेश्चन में बोला था फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। बोलो ना, संभाल के कैलकुलेशन करना। कैलकुलेट प्लीज, इंग्लिश में बोलो। 2,485 जीरो। फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट में मत डालना भाई लोग। माइनसिंग हाउ मच कमिंग, वन जीरो यहां तक एक बार देख लो पूरा चीजों को। फिर से बता रहा है, फिक्स कॉस्ट जो आपका स्टेटमेंट से डिवाइड करके आया है उसी से इंटू करोगे। मेरा यहाँ पर 60,000 का डेटा दिया हुआ था, ये 60,000 का डेटा से ये सब पर यूनिट आया हुआ है, तो देयरफॉर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाल के 60,000 से इंटू किया, टोटल फिक्स कॉस्ट आया 10% से बढ़ गया तो इंटू 110% किया। ये हुआ नॉर्मली, हम लोग इस साल इतना पैसा कमा लिया उसका ऑफर के बिना। उसका ऑफर क्या था, एडिशनल ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर अ फर्दर 20% ऑफ इस कैपेसिटी। बोलो कितना यूनिट एक्स्ट्रा बनेगा, कितना यूनिट, 20,000। 60% के लिए 60,000 है तो 20% से 20,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनेगा। अब हम वही लॉजिक है, एडिशनल जब आप बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट को मीट करने का दरकार नहीं है क्योंकि वो 60% में ऑलरेडी वो मीट हो चुका। अभी आपका टारगेट क्या है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, उसके पीछे का खर्चा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट इसीलिए मैंने टोटल किया इस सम में 8.385 रुपीज लगता है पर यूनिट। स्क्रीन देखो कितना लगता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, 8.385। हाउ मेनी यूनिट वी विल प्रोड्यूस, 20,000। एक बार कैलकुलेट करो तो हम लोगों को क्या पूछा गया, प्राइस पूछा गया है ना।
व्हाट प्राइस वुड यू रिकमेंड फॉर 1,67,300 का प्रॉफिट कमाने के लिए? हम आपको 2 मिनट का सोचने का टाइम दे रहा है, देख लो क्या बात। 300 चार्ज टारगेट ओवरऑल प्रॉफिट इज इक्वल टू 167,300 लेस प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 109,050 माइनस करके बोलिए, सुनाई नहीं दिया, कितना? 58। डिजायर्ड प्रॉफिट हो या कंट्रीब्यूशन हो, जो भी हो, फ्रॉम ऑफर असे लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 8.385। देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द ऑफर इज इक्वल टू 8.385 इंटू कितना यूनिट था? 20,000, 1,67,700। प्लस रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 58,250, कितना आ रहा है बोलो ना। टू टू 5,950। टू वही तो बोला मैंने। तो ये था मेरा वेरिएबल कॉस्ट, मेरे को इतना लगा और मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए कितना, 58,000। दिस इज द रिक्वायर्ड सेल्स, समझे? देयरफॉर सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 22,5950 डिवाइडेड बाय 20,000। ये वाला थोड़ा ध्यान से समझो, ये चीज एग्जाम में अटक जाता है बहुत जन को। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन के साथ वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने ऐड किया, हम लोग को पता है ना कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। जबकि कहना ही से सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वही तो हुआ। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये कंट्रीब्यूशन है, जोड़ा तो हमको सेल प्राइस भी निकल गया, इतना सेल्स हमको चाहिए 20,000 यूनिट से। तो फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, ऑलरेडी मीट हो चुका है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर डिसीजन मेकिंग। दैट्स ऑल।